हे गाइज़ वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग सो गाइज हम मिल रहे हैं दस दिन के बाद फाइनली ठीक है और मैंने आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया है डेली ये सोचती थी कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं लोग क्योंकि भाभी भैया भाभी की एनिवर्सरी वाला लोग जिस दिन आया था उस दिन पता ही नहीं क्या हुआ था भैया तो ऑलरेडी बीमार थे और रात ऐसी थी सेलिब्रेट तो किया ही किया अगले दिन कोई नहीं उठा सारे के सारे बीमार भाभी उधर खड़े होके हंस रही है इसलिए मैं उधर देख रही हूँ ठीक है क्योंकि मैं को को रात मेरे चिकुचिक खासी भाभी भी कुछ हुई पड़ी थी बिल्कुल और विशु शायद विशु नहीं हुआ था विशु भी था विशु नहीं हुआ नीरज ऑलरेडी होके उठा था मम्मी को भी था मतलब मम्मी को भी हो रखा था तो सारे ही पड़े थे हम एक हफ्ता यही चला था तो कोई शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं किया ऐसे ही पड़े हुए थे एक हफ्ते के लिए सारे ही बिस्तरों में दवाइयाँ ले रहे थे खांसी ठीक करने के लिए तो आ, हम लोग मेडिकल में इसलिए नहीं गए कहीं हमें अभी पॉजिटिव घोषित ना कर दिया जाए इसलिए हमने घर पे अपना इलाज कर लिया सो तो, कुल मिला के बात ये थी परसों आए थे इसके पापा संदीप आज गई हैं ठीक है तो इन्होंने लिया था तीन घंटे का ब्रेक जिसमें मेरी शॉपिंग करवा के आए थे सो तो, कहने का मतलब ये है कि जो लॉकडाउन लगा था दिल्ली में वो गुड न्यूज़ ये आई है कि सब कुछ ओपन हो गया है फिर से सो हमारी सारी तैयारियां फिर से स्टार्ट हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं राउंड चेयर पे बैठ के यहाँ पे मज़े ले रही हूँ मम्मी चाय बना के लेके आई है ठीक है शॉपिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और जो मतलब मैंने बताया था ना कि कैंसिल हो गया सब कुछ कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ सब कुछ होगा जो सोचा था वही होगा ठीक है बुरी नज़र से हम बच गए पता नहीं किसकी काली नज़र लगी थी हमारी खुशियों को लेकिन फाइनली आज आज मम्मी पापा लोग सब लोग सब आ जाएंगे संदीप गए हैं उनको लेने आज, यहां पे मेरी शॉपिंग करवा के चिकू की अपनी मतलब हमारी तीनों की होगी है मेन ब्राइडल की बची है और बाकी सबकी बची है ठीक है सो so, दिल्ली से वो लोग शॉपिंग करेंगे कल और फिर परसों गाँव आएंगे और मैं भी जाऊंगी ट्यूजडे को तो हमारी तीनों की जो मेन वाली शॉपिंग थी आ, वो हमारी पूरी फाइनल हो चुकी है ठीक है हमारी भी और मैंने मेरी जो सिस्टर इन लोग जिसकी शादी है इनकी मीनू की, की शादी है उसके लिए भी मैंने खरीद लिया है सब कुछ और मैंने बाकी लोगों के लिए भी शॉपिंग करी है अब आप लोग बोलोगे कि मैंने शॉपिंग ब्लॉग क्यों नहीं बनाई दो ही दिन तो मैंने शॉपिंग करी है यार दो दिन में मतलब सब कुछ खरीद लिया तीन घंटे में, में मेरी पूरी शॉपिंग हुई थोड़ा सा ब्रेक लेके गए थे सोनू मेरे साथ उसमें पूरा फाइनल करके आ गई थी और कल पूरा दिन चीकू की और उसके पापा की हुई है ठीक है और थोड़ा बहुत जो मेरा बचा हुआ था सिलाई वगैरह का वो दे दिया है सो so, uh, शॉपिंग ब्लॉग मैंने क्यों नहीं बनाई वो इसलिए नहीं क्योंकि गए वेडिंग सीजन है और बाय गॉड एक एक घंटा हम वेटिंग में बैठ के आए इतना टाइम वेस्ट हुआ है ना पूछो मत और इतनी ज्यादा भीड़ सफकेशन हो रखी थी बिल्कुल ऊपर से मास्क लगाना था दुकानें ऊपर से बिल्कुल बंद होती हैं चारों तरफ से और ठीक है ऊपर से इतने सारे लोग बैठे होते हैं तो मैंने इसलिए नहीं बनाया मैंने कहा यार क्या क्या दिखाऊं मैं इतनी ज्यादा रश इतना ज्यादा क्राउड था इस वजह से फिर सोचा कि आपको फाइनल मतलब मैं अपना दिखाई दूंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ ठीक है और इन्होंने क्या लिया है कुछ इस बार अलग लिया है कोट पेंट नहीं लिया है ठीक है चिगो की भी बहुत प्यारी ड्रेस है और मेरी तो है ही है मेरा तो अद्भुत है मतलब इसके पापा बोल रहे थे कि आप ही दिखने वाले हो शादी में आप ही दिखने वाले हो बस वही कॉम्प्लीमेंट बहुत है मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी ड्रेस है और क्या लिया है क्या नहीं वो मैं भी बताऊंगी नहीं वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा ठीक है सो so, बस आप लोगों को न्यूज़ देनी थी बताना था कि सब कुछ वापस से खुल गया है और सब कुछ शादी की तैयारियाँ फाइनली स्टार्ट हो गई हैं दस दिन बचे हैं शादी में और शादी से पहले के जो फंक्शन होते हैं ना वो हम गांव में करेंगे यानी कि जो बांध बैठते हैं बांध वगैरह बैठते हैं ना तीन दिन के लिए चार दिन के लिए मुझे वो मालूम नहीं है तो ट्यूसडे को आएंगे अभी ये मेरे को लेने तब तक मैं अपना सारा फाइनल कर लूँगी जो भी शॉपिंग थोड़ा बहुत बची है वो कर लूँगी ठीक है फिर हम दिल्ली आएंगे जाएंगे प्री ब्राइडल है मीनू का लहंगा सेलेक्ट किया हुआ है उसकी जूलरी लेनी है मतलब बहुत सारे काम है अभी लग रहा है कि शादी है अभी तक ठंडे बैठे हुए थे ठीक है और मेहंदी वाला मैंने कल ही बुक किया है कल परसों में ही किया है बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट और बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट जो मैंने कैंसिल कर दी थी वो उसको वापस से रखा है ठीक है बुकिंग ली है उन्होंने और होटल जो हमारा कैंसिल हुआ था वो भी फिर से डन कर दिया है सारी चीज़ें मतलब हो गई अभी मतलब आपको अब धीरे 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 सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे शादी के ठीक है फंक्शन के मिलेंगे पहले तो उससे पहले शायद ही शॉपिंग के क्या पता मैं बना लूं क्योंकि मेरी तो फिक्स हो गई है ठीक है अभी घर वालों की बची है मेनू की बची है वो शायद आपको देखने को मिलेगी आई थिंक सो ठीक है मैं कोशिश करूंगी और बाकी फंक्शन की तो आपको जरूर मिलेगी बान बैठेगी सारे काम होएंगे मेहंदी लगेगी संगीत सब का लगन वगन सब होएगा ठीक है तो और हाँ अभी पाँच बजने वाले हैं शाम के तो, तो एक और यूनिक चीज़ करी है हम लोगों ने इस बार मतलब मेरा ही दिमाग था ये क्या हुआ था सगाई में सिर्फ मैंने ही परफॉर्मेंस दी थी तो और सबका भी मन था कि वो परफॉर्मेंस दें बट क्या होता है ना जैसे मैं तो खुद प्रिपेयर कर लेती हूँ और मैं हैदराबाद में थी इसलिए मैंने अकेले नहीं करा था घर पे होती तो मैं दूसरों को भी करा देती मीनू को भी बाकी सब को भी तो इस बार वो वाला झंझट ना रख के <laughs> मैंने कोरियोग्राफर को हायर किया है मीनू की शादी के लिए सब परफॉर्मेंस होंगी मेरी भी सबकी जिस जिसको करना है मतलब सबकी ठीक है तो यहीं से है वो मतलब मेरा लाइक like फ्रेंड ही है बहुत बहुत पहले का तो वो बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है और बहुत अच्छे से डांस सिखाता है तो एज अ फ्रेंडशिप मतलब वो करेगा अभी शाम को बुलाया मुझे पाँच बजे तो पहले मैं अभी गाने चूज करूँगी जाके एकेडमी पे और फिर मतलब मैं अपनी परफॉर्मेंस रेडी करूँगी सिंगल वाली कपल वाली और जो बाकी सबकी है वो होगी वीडियो कॉल पे ठीक है क्योंकि मैं गांव जाऊंगी वहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं है वो बेचारा यहाँ से गांव जाके करेगा क्योंकि फिर वो दिल्ली आएगा सीधा दिल्ली दो दिन पहले पूरा जो भी हमने वीडियो कॉल पे किया था उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देगा मतलब फिनिशिंग दे देगा डांस की ठीक है तो सबकी परफॉर्मेंस रेडी हो जाएंगी सब खुश हो जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगा सबका मतलब मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ठीक है बोलते बोलते मेरा गला भी बैठ गया है ठीक है ऑलरेडी ख़राब था क्योंकि मैंने बहुत सारे बेर खाए थे कल परसों लाल वाले होते हैं ना छोटे छोटे सर्दियों में चले होते हैं वो वाले खाए थे भर भर के ठीक है तो यही आपको न्यूज़ देनी थी और अभी पाँच बजने ही वाले हैं दस मिनट बची है भाई गए एक्टिव वाले के तो वो आएगा उसके आने के बाद हम चलेंगे अकेडमी पे सुबह छा साढ़े छः हो गए हैं और मैंने बोला था कि मैं एकेडमी पे जाऊंगी बट नीरज ने जो है लेट कर दिया काफ़ी ज़्यादा और वो एक्टिवा लेके नहीं आए तो ये इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं मेरे इतने महान हैं कि इन्होंने मेरे कष्ट को देखते हुए बोला कि मैं खुद ही आ जाता हूँ घर पे और तेरी सेफ्टी के लिए मतलब पता नहीं क्या क्या, क्या डायलॉग मार दिए इतनी देर में सारे नंबर बना गया जी तो ये हमारे कोरियोग्राफर है आर्यन ब्रिजेश आर्यन ब्रिज हेलो ये hello, ये Bans ये कहता है मैं वीडियो में नहीं आऊंगा मैंने कहा तू ऐसा है ही नहीं तेरी शक्ल ऐसी है ही नहीं वीडियो में लेने जैसी जैसे भाग के उठ के बैठ जा खाया कर कुछ इतना नहीं, नहीं 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 वीडियो पसंद अरे वीडियो मत आना देख मैंने अपने पास कर लिया तू बैठ जा उधर तो ये गाने सेलेक्ट कर रहा है और पीछे आप स्पीकर देख सकते हो ये वाले फट गया इसका स्पीकर एक्चुअली जैसे हमारा गला फट जाता है ना पनीर खाने से ऐसे इसका फटा हुआ है अभी तो ये कुछ लेके नहीं आया मेरे को एक्सपेक्ट था कि वो वाला होता है ना कौन सा वाला होता है क्या बोलते हैं उसको वो जो ब्लूटूथ स्पीकर तो होता है लेकिन उसको कुछ तो बोलते होंगे ना चलने वाला ट्रॉली वाला ट्रॉली बैग ट्रॉली बैग ही तो सोच रही थी मैं वो लेके आएगा इसने सारे सपनों में पानी फेर दिया मेरे मैं देखो तो खा खाली मटक तो आ रहा है मैंने कहा यही क्या है मैंने कहा चल गाने भी मेरे स्पीकर भी मेरा ही और ये कितना वीडियो बना के दे दूंगा मतलब मेहनत भी मैं खुद ही कर लूँ पैसे ये लेगा सारे के सारे तो अभी ये कुछ काम लगाया है मैंने इसको ये अभी गाने सेलेक्ट कर रहा है मेरे लिए कुछ काम नहीं कराया इसने आधा घंटा हो गया तब से सर्च ही मार रहा है कुछ नहीं सिलेक्ट करा है इसने अभी तक मैं सोची थी एक दो रील शॉर्ट्स बनाएंगे यूट्यूब के लिए पर इसका टैलेंट जो है थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा अभी तो ये बैठा बैठा ऐसे ही मटक रहा है थोड़ी देर बाद देखते हैं गाने सेलेक्ट हो चुके हैं वैसे तीन चार गाने सेलेक्ट करें हमने तो अभी <laughs> देखेंगे क्या करेगा कुछ ट्रायल रिहर्सल कराएगा कि नहीं कराएगा तो देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कुछ कराएगा कि नहीं कराएगा कराएगा पैसे लेने ना इसको कराएगा तो थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे हम ठीक है और वो, म्यूजिक वो, हमेशा की तरह आपको सुनने को नहीं मिलेगा सिर्फ स्टेप देखने को मिलेंगे कॉपीराइट वाला इशू आता है शॉर्ट्स में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा गाना भी और डांस भी ठीक है He's waiting for love. घंटे से लगे हुए हैं पहले तो गाने सेलेक्ट करे फिर ये स्पीकर नहीं चल रहा था हमारा तो हमने टी में चलाए ठीक है कल वो अपना लैपटॉप और स्पीकर सब लेके आएगा साथ में और कल संडे है तो कल बोला कि मेरा पूरा हो ही जाएगा सॉन्ग तीन से चार गाने ने ने मिक्स करवाई हैं ठीक है आज सिर्फ एक ही सॉन्ग हुआ है और हो गया है आपने वीडियो में देखा होगा ठीक है सो so ये छोटा सा लोग बनाया आज मैंने कुछ खास था नहीं बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही देनी थी सारी चीज़ें बतानी थी ठीक है और डांस की वीडियो आप लोगों के सामने है गेस्ट करके जरूर बताना कमेंट करके कि कौन सा गाना लगा आप लोगों को स्टेप से और मिस किस किसने किया वो भी ठीक है तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड लव